सो व्हाट्स अप गाइस, ये हमारा पहला व्लॉग है आज और हम अपने कार की चैनल पे डालेंगे इसको। तो आज हम आए अपनी जिमनी के अंदर, एक डिवाइस आता है विंड बूस्टर वो लगवाने। काफ़ी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि ये डिवाइस होता क्या है, तो ये पीछे साहब देख सकते हो अगम 0010 हरकतें करता हुआ। हाय बोल दो यार पहले व्लॉग में। अरे इग्नोर मार रहा है, बड़ा बंदा है यार, इग्नोर मार रहा है, क्या कर रहा है बेटा। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है फ्रेंड्स कि ये एक्चुअली डिवाइस होता क्या है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इससे पिकअप बढ़ जाती है, बट जहाँ तक मेरे को लगता है इससे सिर्फ हमारा थ्रॉटल कंट्रोल जो है वो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो बाकी अचिंत्य भैया हैं, हमारे प्रोफेशनल रेसर हैं वो भी, तो हम उन्हीं से लगवा रहे हैं। तो मिलवाते हैं आपको उनसे भी एक बार और एग्जैक्ट डिटेल बता दें कि पिकअप में फ़र्क पड़ा है या सिर्फ सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, काफ़ी लोगों को डाउट है। कुछ नहीं होता, चलो देखते हैं इनका क्या क्या आपको लगता है बढ़ेगी पिकअप। कुछ भाई गाड़ी मध्य पहला व्लॉग है, बीप करना पड़ेगा। ये हम आपको अपने पापा से मिलाते हैं, क्या लगता है सर आपको बढ़ेगी पिकअप? ये एक गिमिक है जिससे आपको फील आएगा कि ये एक स्पोर्ट्स कार है, जिसमें इको मोड, प्रो मोड, रेसर मोड। ये एक तसल्ली देने के लिए है जिमनी में, क्योंकि तो जिमनी थोड़ा स्लो चलती है। अपने भैया से पूछते हैं जिमनी कैसी लगती है आपको? मुझे तो ठीक लगती है, इनको सब ठीक लगता है। पिकअप कैसी लगती है? पिकअप तो खैर है ही, थोड़ा सही है, जैसे पिकअप है 18 सेकंड सो है। और क्या, और इसको हाई पे बजाऊं, कैसे बजाऊं इसको? बजती है, क्यों नहीं बजती है, कहां बजती है? तो चलो इसमें ये डिवाइस लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसी परफॉर्मेंस है और क्या चेंज आता है। कोई चेंज नहीं आएगा। चलो तो यहाँ पर जो आप जिमनी देख रहे हैं, इसके अंदर अचिंत्य भैया ने, जो एएम रेसिंग के ओनर हैं, इन्होंने इसके अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन करी है। आइए कि करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ है, काफ़ी मेहनत करी उन्होंने इस कार में। तो सबसे पहले इनके एग्जॉस्ट की साउंड सुनते हैं स्टार्ट करके इंजन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सटल साउंड है, कोई कान खाने वाली आवाज़ नहीं है। बेसिकली ये परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है फुजित्सुबो का, इनका अपना, ये जापान से इम्पोर्ट कराते हैं खुद से। तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है और ऐसा नहीं है कि ये शोरबाजी करेगी। और एक बार रेव करके देखते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने हुड के अंडर में एक फ़िल्टर लगाया हुआ है जो कि कॉनिकल फ़िल्टर है, HPI का जापनीज। ये भी अचिंत्य भैया इम्पोर्ट कराते हैं, प्रॉपर फिटमेंट हुई है। आप देख सकते हैं एक पाइप से लेकर गए हैं फ़िल्टर को आगे की तरफ। और नीचे को देखेंगे तो अभी कैमरे में शायद विजिबल ना हो, इन्होंने स्टेयरिंग रॉड और कार को सपोर्ट करने के लिए भी एक रॉड लगाई हुई है अंदर, जो बॉडी की रिजिडिटी को बढ़ाता है और स्टेयरिंग में हेल्प करता है गाड़ी को मोड़ने वगैरह में। प्रॉपर इन्होंने सेटअप किया है जिमनी के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने बाईफोकल LED भी लगवाई हुई है फॉग लाइट में, जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। यार इसमें तो सस्पेंशन अलग ही लग रही है कुछ, मतलब बहुत फर्क है यार, सस्पेंशन का तो सारा खेल है। देखो तो स्टीयरिंग मोड़ते अलग ही गाड़ी लग रही है कुछ, हमारे वैसे ऐसे तो नहीं चलती हमारी। सस्पेंशन बेटर है यहाँ से, राइट है ना, लेफ्ट तो हमारा टायर करके थोड़ा हैवी है ना। नॉर्मल बिना उसके चलाओ तो अंदर वो हमिंग साउंड नहीं आती जो रेजोनेटर रिमूव करने से, हमारी स्विफ्ट में इशू हो गया था, थोड़ा सा चलाते थे अंदर गूंज की आवाज, जैसे नॉर्मल जा रहे हो। हाँ, क्या आवाज आती थी? ये हमिंग की साउंड नहीं आती हल्की हल्की रेजोनेटर हटने से, जो पीछे का डिलीट हुआ है ना स्ट्रेट। तो गाइस हम आ गए हैं वो डिवाइस लेकर, आपको दिखाते हैं वो डिवाइस अभी, तो आपको दिखाते हैं कहाँ पे फिट होता है और कैसा है। तो ये रहा वो डिवाइस, विंड बूस्टर करके आता है, आप देख सकते हैं जैसे भी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी आपके सामने। ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है हमारे फ़ोन से, तो ये डिवाइस है और ये एक्सेलेरेटर पेडल के अंदर लगता है, नीचे की साइड एक कवर होता है, आपको दिखाते हैं। तो इसके अंदर ना लोग बहुत बोलते हैं कि ये पिकअप को बढ़ा देता है, एक्सेलेरेशन को इंक्रीज़ कर देता है हमारी, बट मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर हम 20% वीडियो बना रहे हैं हम देख सकते हैं, मेरा जो मानना है वो 20% अगर हम जैसे एक्सेलेरेटर को दबाते हैं तो बेसिकली कार को ऐसा लगेगा कि 40% या 50% दब रहा है, तो इसलिए लोगों को पिकअप ज़्यादा लगती है। देखते हैं हम भी लगा के कि ये सच्चा है क्या सच्चा है, अभी पता लगेगा लगाने का, अनबॉक्स करते हैं। हम भी लेके आए हैं इसको हाइप में, ये रहा बॉक्स इसका, ये आपको मिल जाता है, इसका पैनल है, ये ऊपर लगेगा,
या आपके एसी वेंट के नीचे लग जाएगा, आप लगा सकते हैं वहाँ पर जहाँ आपको सही लगे। तो आओ इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये देखो दोस्तों, ये इसकी वायरिंग है। ये वायर इसमें डिवाइस में आएगी, एक वायर ये जो है कपलर, ये आपके एक्सलेटर में से कपलर निकल जाएगा और इसके कपलर के थ्रू आपको इसको रूट करना है बेसिकली। तो एक एक्सलेटर वाला कपलर आपका इसमें लगेगा और एक कपलर ये जाके गाड़ी के कपलर में लगेगा। तो आपको दिखाते हैं भी कैसे प्लग एंड प्ले है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको वारंटी वारंटी होगी, इसको निकाल देना सर्विस करने से पहले, उनको कुछ नहीं पता लगेगा कि गाड़ी में कुछ लगा हुआ है। तो आप इसको इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, दिखाते हैं। वो तो दो कैसे कैसे तो ये एक कपलर गाड़ी के पेडल में लगेगा और एक कपलर ये वहाँ लगेगा जो पेडल, जो गाड़ी में कपलर पेडल ऊपर से आ रहा है, कपलर करते हैं समझे, जो गाड़ी के अंदर एक कपलर आ रहा है थ्रोटल में, एक तार आ रही है वो गाड़ी के कपलर में लगी हुई है थ्रोटल के कपलर में, तो वो उसको निकालना है हमें और यहाँ पे लगाना है और इसको गाड़ी के थ्रोटल में लगाना है और ये आपके ऊपर डिवाइस में लगेगी केबल। तो और करते हैं इसमें इंस्टॉल और दिखाते हैं वो। चलो भैया ये कहाँ लगे, ये तो नीचे लटकानी पड़ेगी, ये लटका रहेगा, निकाल पहले ये, मुझे दे, ये भी दे दे, यहाँ रख दे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसे ये आप देख सकते हैं एक्सलेटर पैडल के ऊपर एक इनकी वायर आ रही है जो उसके कपलर में जा रही है, उसको निकालना है और इसके थ्रू रूट करना है, डिवाइस के थ्रू कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक डेमो वीडियो पे अटैच करके दिखाता हूँ। तो आप देखो कुछ नहीं करना, ये कपलर निकालना है एक्सलेटर पैडल में से, इसको आपने निकाल लिया आराम से और अपने डिवाइस का जो वो है आपका यूनिट, ये जो आपका है इसको बस आपको वहाँ पर रूट करना है। ये आप देख सकते हैं एक कपलर आपका वहाँ लग गया और जो आपने गाड़ी से निकाला था वो इसके अंदर डालना है और एक को पैडल में लगाना है, बस कुछ नहीं है, प्लग एंड प्ले है। तो जब तक हमारा ये विंड बूस्टर इंस्टॉल हो रहा है, भैया कर रहे हैं आप देख सकते हैं, तब तक मैंने इसको बोला गाड़ी निकाला, हम जा रहे हैं मूवी देखने, क्योंकि मूवी भी आजकल बहुत वो हो रही है, गाड़ी चला रहा है, तो हम जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सी मूवी है वो बहुत हाइप में हो रही है आजकल, तो वो देखते हैं, आप पहुंचते हैं मॉल, आपको दिखाते हैं, आपको बताएंगे रिव्यू हाइप है या नहीं है उसकी। यार हमारा भाई, इसको बोला हमने गाड़ी निकालने के लिए, अपने एटीट्यूड में रहता है थोड़ा, कर रहे हैं आप देख सकते हैं नीचे पापा भी लगे हुए हैं, ये दोनों फिट कर रहे हैं, अपन सिर्फ मजे लेने वाले हैं, देखते हैं कि होगा क्या, वैसे तो वेट नहीं हो रही है, अपना हाथी भी स्टार्ट खड़ा है जाने के लिए, लेट हो रहे हैं हम, तो देखते हैं आप भी टाइम मिलेगा रात में चलाएंगे, देखते हैं जैसा भी होगा आपको बता देंगे। जा रहे हैं एनिमल मूवी देखने जीआरपी मॉल में, जिमनी तो शायद अभी हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, शो का टाइम हो रहा है, यहाँ से भी बहुत देर लगे हुए पहुँचने में, तो बैठते हैं गाड़ी में। जिमनी तो अच्छी गाड़ी है बट एंडेवर है, क्या बोले वो सबको पता ही है, तो अपनी जिमनी का काम हो रहा है देखो। तो चलते हैं, जिमनी तो अभी शायद हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि लेट हो रहा है शो के लिए, तो इसी को निकाल लेते हैं एक बार हम। तो बताओ आपका एनिमल वीडियो देखता हूँ सर, अरे फैन आ गए, आप अपने YouTube चैनल प्रमोट करोगे कार्गी को ना? हाँ कार्गी, मेरे को भी ले लो वीडियो में, अरे सर देखो फैन मिल गया, प्लीज सर, पहला व्लॉग है हमारा, जीरो सब्सक्राइबर है, सेल्फी ले लूं, और ये बड़े आदमी देखो मैंने मजे ले लो सर, ये देखो सेल्फी ले रहे हैं, थैंक यू सर। तो चलते हैं शो देखते हैं, एनिमल मूवी काफी ओवर हाइप तो है, ये बैठ के जरा के, तो क्या लगता है आपको एनिमल मूवी जो है वो ओवरहाइप्ड है या नहीं है? मेरे को आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, एनिमल मूवी के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं सर आपको क्या लगता है एनिमल मूवी जो है वो कार्गी के साथ आगे हुई है, देखो ये भी यूट्यूबर साहब हमारे शुरू हो गए, मैं भाई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं इनसे देख के इंस्पायर हूँ भाई, उन्होंने गाड़ियां बिठा लिया एंडेवर में भाई, सेकंड हैंड लेनी पड़ी, झूठ से बोल रहे हैं, नहीं दिलवा दो, 40 लाख के ले आए हुए सेकंड हैंड, इनके ब्लॉग देखा था भाई, वो सब कोई बात नहीं, सेकंड हैंड है क्या करे इसमें, नहीं आई थी तो 39 की 40 की ले आया पुरानी, पागल है दोस्तों एंडेवर के लिए। तो क्या लगता है आपको
एनिमल है जो एनिमल मूवी है ओवर हाइप नहीं है। गाली दे रहे हमारी यार देखो जरा हम समझाओ ना सब्सक्राइबर्स वो पीछे काम चल रहा है जिमनी में मैं आगे बैठूं चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं मूवी का रिव्यू क्या है। फिर सुतर है गाड़ी से ये कह रहे डिवाइस इंस्टॉल हो गया और देखते हैं कैसे चल यहां पे फिट किया जैसे कि देख सकते हैं फिट नहीं किया। करूं कुछ इसको बटन दबाऊं कोई दबाओ रेस मोड मोड दबाऊं क्या रेसिंग मोड लगाओ इसमें कैसे लगेगा ये वाला दबाओ हो ही नहीं रहा कुछ इससे होगा क्या वेलकम मैडम जीरो स्पोर्ट हो गया मोड लग गया दोस्तों बढ़ गई रेस अच्छा बड़ी है ना इसको बंद नहीं लग रहा आरपीएम में कुछ चेंज आया इसको बंद करो ये कहां से बंद होगा लगाओ स्पोर्ट प्लस लगाओ या रेसिंग मोड जो भी होता है स्पोर्ट्स प्लस स्पोर्ट प्लस आ गया हल्का पंजा देना रेस दियो हल्का सा उल्टे पैर के मत देख और ये तो बहुत है तेज होगी ना रेस एकदम उठाएगी बढ़ाओ ज्यादा हो गया तो रेस अब नॉर्मल करो रेस मोड हो गया भैया रेस मोड लगाओ ड्रैग ड्रैग मोड करियो अब जिमनी हमारी उड़ेगी हल्के में ही हो रहा है सही है एकदम नॉर्मल करो नॉर्मल ऑटो नॉर्मल करो ऑटो में क्या है नॉर्मल करो वैले वैले में चलेगी नहीं नॉर्मल इको इको अब देख चलेगी नहीं मेरी अब दब गई दब गई बैठ गई बैठ गई। तो दोस्तों अभी हमें जाना है मूवी के लिए ये हमारी गाड़ी खड़ी है हमारा आगम 010 इसको आके चलाएंगे आपको पूरा रिव्यू देंगे सब दिखाएंगे आपको क्या है अभी हमने सिर्फ टायर बदलवाया तो पता चला है आगम 010 बिल्कुल बेकार ये देखो ना इसने मेरी गाड़ी पे मेरी गाड़ी का अपना सप्पा लगा रखा है इसने अभी हटेगा और मेरा नाम आएगा देखते क्या करेगा मेरा क्या करोगे सर आपका अपना नाम लगाएंगे सेकंड हैंड गाड़ी में अपना नाम लगाता आप फिर जिमनी पे लगाओ खुद लगवाया जिमनी फर्स्ट हैंड है जिमनी पे लगाओ जिमनी पे लगाओगे आप इस पर लगाएंगे आपका नाम हैंड है यूट्यूबर हमारा मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई कोई ये इसकी थर्ड हैंड गाड़ी कॉलेज जाता है ये लो नंबर ये नंबर डाल लो मेरे नाम पे आएगी लेकिन है थर्ड हैंड ये देखो अमीर बंदा इसकी है मेरी नहीं है चलो चलते हैं चलो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जीआईपी मॉल है जैसे ये देख सकते हैं नोएडा में सिर्फ इधर का ही शो मिला है बाकी सारी जगह फुल ऑफ जा रही है दो तीन दिन से पिक्चर ही इतनी ओवर हाइप्ड है देखते हैं ऐसा क्या है इस पिक्चर में चलते हैं अंदर आओ देख सकते हैं कुछ ऐसा मॉल है इसका इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा था बट जब से मॉल ऑफ इंडिया आया तब से इसमें लोग कम आ रहे हैं सामने ज़्यादा लोग जा रहे हैं चलते हैं इसका सिनेमा हॉल का भी देखते हैं क्या है देख के मूवी अब जिमनी चलाने का टाइम आ गया है तो चेक करते हैं इसको आपको दिखाते हैं लगा हमारा डिवाइस जैसे कि आप देख सकते हो भी हमने इको मोड पर डाल दिया है और ये पापा चला के देख रहे हैं गाड़ी को तो देखते हैं स्पोर्ट्स लगा दे वही बहुत तेज भाग रही है ये तो इको मोड में तेज हो गई है दोस्तों वही ऐसा मजाक कर रहा हूँ कुछ ना ऐसा एसी ऑन करता बन गया ट्रैक पे जाएगी कैसा फील आ रहा है इको में अब दूसरा चलाएंगे तो पता लगेगा नहीं नॉर्मल से हम इको कंपेयर करें तो कैसी लग रही है थोड़ा सा माइनस ही लग रहा है नॉर्मल से तो चलो दोस्तों काम तो कर रहे हैं इसका इको मोड का काम करते हैं इसको शायद हमारी एवरेज बढ़ा दे एवरेज बढ़ा देगा बढ़ेगी इको मोड भी है ना इसमें तो उसमें किस मोड पे आई हम नॉर्मल नॉर्मल पे आ गई एकदम चल पड़ी थी रेस देती नॉर्मल में देख सकते हैं आप ओहो कुछ नहीं है नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल पे तेज हो गई है इसको बंद करते हैं इसको काम खराब और ये हो गई है नॉर्मल पे हवाई जहाज भाई इको से तेज हुई है बट नॉर्मल क्या बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे ही हो गई है लगा दे एक बार तो दोस्तों नॉर्मल जो इसका मोड है जैसे गाड़ी स्टॉक आती है वैसे ही हो गई है स्पोर्ट्स लगा एक बार अब हम इसका अगला मोड ट्राई करेंगे स्पोर्ट मोड लगा दिया भैया धीरे हो गई है लग रहा है तो ऐसा लग रहा है स्पोर्ट पे धीरे हो गई लेफ्ट तो ऐसा लग रहा है स्पोर्ट पे और धीरे हो गई है ये एकदम से आगे आगे कोई नहीं इसके लेफ्ट से निकाल लेंगे टेंशन वाली बात नहीं है इसमें कुछ फर्क वाला पड़ा है तो इस मुझे कंपनी ऐसी लग रही है नॉर्मल उल्टा बेटर लग रही है करके भी चला के देख लो जीरो रोड करना ही बस इसको कहीं गियर बड़ा लग गया इसलिए तो ना उठा रही क्यों लगते हो जाने
इसमें स्पोर्ट प्लस भी और एक ड्रैग मोड भी है, ड्रिफ्ट भी है, ड्रिफ्ट तो नहीं है, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मोड, चिमनी से ड्रिफ्ट मारेंगे, रियर व्हील है, कोड आगे ले गया, इको है भाई साहब, ये देखो ब्रेकर का हाल, अब देखा फर्क है, थ्रॉटल शुरू में तेज उठता है बस थोड़ा सा, और वही बात है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में पिकअप लेगी, जैसे 100 दबाओगे वो तो 100 ही रहेगा, इतने में क्रेटा आगे निकल जाती है, भैया का क्या कहना है, क्या कह रहे हो भैया, क्रेटा आगे निकल जाएगी, तो भैया कह रहे हैं कुछ भी कर लो अपनी क्रेटा में आगे निकाल दूंगा तुमसे, तुम कुछ भी लगा लो इसमें, ये नहीं भागने वाली है, ये देखो दोस्तों भाग रही है, जमनी स्पीड पकड़ रही है अपनी, ये फायदा देखो दोस्तों जमनी का, दिल्ली की सड़कें ऐसी है, देखो इसके लिए सही है, गाड़ी बंदा के लिए सही है, कहीं भी टमा लो इसे, तो हम इसमें डालते हैं स्पोर्ट प्लस, एक बार और अभी नहीं दबा, लग गया स्पोर्ट प्लस, पड़ा है, रेस बड़ी है, ये पड़ गई पिकअप हमारी जिमनी की, अब जिमनी पन की हमारी क्या बोल सकते हो, जी वैगन, बस फर्क यह है ये सारा खर्चा खुर्चा करके स्टेज वगैरह करा के 2 या 2.5 सेकंड तेज होती है, जी वैगन 4 सेकंड में सो हो जाती है, ये तीन सेकंड तेज होगी, चल 5 में हो जाएगी इससे तेज, G63 कितने में होती है, अरे फायदा ना हो रहा ना इससे, अरे दोस्तों जितनी ये तेज होगी ना उसको उतने में जी वैगन में 600 हो जाएगी, जितनी ये तेज होगी 5 सेकंड में 5 सेकंड तेज हो जाएगी, नहीं ये 2 सेकंड तेज होगी सारा कुछ कर कर आगे, हम 4 बंदे बैठे अभी गाड़ी में, तो शायद इनसे पूछते उतर जाए तो उतरोगे यार दोनों, अगम धीरे धीरे उतरोगे, नहीं मैं नहीं उतरूंगा, कूड़ा ही है गाड़ी तो वापस नहीं आएंगे हम, चले जाएंगे यार, ऑटो आ गया, आ गया, चलो फिर चलो उठा रहे हैं हम, रुको एसी बंद करो, अब आ गया, आ गया, ले लो ऑटो वाला, आ गया एसी बंद तो था, एसी ऑन था, अब ये गाड़ी बंद हो गई है, ऑन कर लो इसे, तो लॉन्च करो लॉन्च, कुछ दिख भी नहीं रहा, चल पे नहीं है कैमरा में, कुछ अगर कुछ हो रहा है दबाया हुआ है, दिखा व्हील स्पिन होते हैं, बना तो रहा कुछ नहीं दिख रहा भाई, बना ले बना ले, हाथ में नहीं दिया, अब बना ले, अब क्या दे रहा है, पीछे कर लिया, बोले जा रहा है यार, शांति से मैं बुलाना था, तो तेरे जैसे अंकल ने कहा थोड़ी सी चुप तो हो जा भाई, ले हो जी हो गया, ले लो जी आगे ले आया, कोई नहीं यहाँ पे तो लिमिट भी 100 है, तब भी ये देखो क्या चला रहे हैं बीच में, ये देखो हम तो 100 तक ही आए हैं, हां 100 की लिमिट हमारे आई है, मैंने ऐसे क्यों एक मार दिया, आप क्या कर सकते हो, आगे ट्रक लो, आगे ऐसा करो 250 मार दिया, रुक गई है तो दोस्तों 138 पे रुक गई है, क्योंकि अपहिल था और हम 4 बंदे बैठे हैं, उस दिन हम 3 बंदे थे, तो 147 टॉप स्पीड टच करी हुई है ये डिवाइस के बिना, पता नहीं ये डिवाइस लगने के बाद ये डिवाइस लगने के बाद ये 140 भी नहीं हुई, अब क्या कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है 140 नहीं हुई दोस्तों, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं गाड़ी, ये देखो आज जिमनी से कट लग रहे हैं, हम साउथ दिल्ली को पहुंच रहे हैं भाई, ये समझ रहे हैं कि हम एमजी चला रहे हैं, साउथ दिल्ली पहुंचा रहे हो क्या, यहां से कट है ना घूम के, स्टॉप करेंगे इसका 0-100 लॉन्च पे, पीछे गाड़ी 3 पे लॉन्च करेंगे इसको, ये तेरा आगे लॉन्च, भाई लोग डेडिंग करने का पता था कि बैठ जाएगी, अगर ये मोड़ से पहले सो हो गई तो बहुत ही बढ़िया है, हो गई दोस्तों आखिरकार मोड खत्म हो गया, अब हम जिमनी का ये पूरा चला के आ गए हैं, एक शॉर्ट ड्राइव लिया हमने 15 किलोमीटर के आसपास, तो हम इसमें आपको बता पाएंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है इसका, तो इनका कहना है, आप इनसे पूछते हैं क्या कहना है, इधर
हाँ जी, इसके लगने के बाद फ़र्क पड़ा है, जैसे कि इको मोड पे पेट्रोल फील होता है जैसे कि कम खुला हुआ है, और जैसे ही हम बोर्ड्स अपग्रेड करते हैं तो फील होता है कि पेट्रोल जो है थोड़ा सा वो ज़्यादा जा रहा है इंजन में, और इंजन की स्मूथनेस और पिकअप बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, वी कैन से 10-15% का इम्प्रूवमेंट है पिकअप। 10-15% मतलब कि हार्डली 1 सेकेंड होगा, बट जो फुल थ्रॉटल में मत देखो, नॉर्मल डेली ड्राइविंग में आप कह सकते हो कि हाँ पिकअप बड़ा है इसका, क्योंकि फुल थ्रॉटल में तो ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि इनिशियली तेज़ कर रहा है कार को। तो हाँ ठीक है, अगर आपको थोड़ा शौक है तो लगवा लो, उतना वर्थ नहीं है, बट हाँ आई विल गिव 80 out of 100, मतलब है कुछ चीज़, गिमिक नहीं है। तो बाकी तो आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो इसी के लिए हमारा पहला व्लॉग है ये, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाते रहेंगे, सिर्फ गाड़ियों के नहीं, बहुत चीज़ों के। तो सी या, बाय बाय।